अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ईद आ गई है जनाब और सब ने ईद के ड्रेसेस सिलवाए होंगे। मैंने भी ईद के ड्रेसेस सिलवाए हैं, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते, तो आए चल के देखते हैं मेरे ईद ड्रेसेस। तो जनाब ये है मेरा एक सबसे पहला ड्रेस जो आप लोगों के साथ शेयर करी। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था और यकीन जाना इसके दुपट्टे की वजह से मैंने सूट ले लिया। बहुत ही प्यारा सा इसका एक ना वो जो एक अलग से फैब्रिक है ना, शिफॉन है ना, लॉन है, एक अलग से इसका फैब्रिक है। वो भी मेरे ना ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, मुझे पता है लेकिन अभी मैं माइंड से बिल्कुल आउट हो गया है। तो इसके साथ मैंने इस तरह से धोती तरह की जो है वो ट्राउज़र बनाया है और ये है इसके नेक एम्ब्रॉयडर्ड है और इसके मैंने नीचे जो है वो नीचे टेलर से ये मैंने स्टिच करवाया था और नीचे इसके पलटावा लगाया बाजुओं के और इसके ना दोनों साइडों पर प्लेट्स मैंने डलाई हैं बिकॉज ये है फ्रॉक और ये बटन इसके ना डिज़ाइनिंग के साथ ही मुझे मिल गए थे। तो ये मुझे जो है ना मैंने इसका लिया ही, इसके दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैंने लिया था। तो इस तरह से उसने इसको फोल्ड करके उसका बॉर्डर ऊपर लगा दिया, अंदर इसके जो है ना वो लगा दी लेस। तो ये मेरा सबसे पहला ड्रेस था और दूर करके भी आपको दिखा दिया और ये दूसरा तो कैजुअल सा है, ये ऐसे ही सिल के आया था नया इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करिए। ये ओवरऑल में है, बुनैनजा का है। तो इसका जो है ना इसकी कहानी थोड़ी सी जो है ना वो ऐसे है कि ये नेक मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए बनवा ली है और आप लोगों को ये वाली नेक हर एक को, मुझे लगता है ये नेक हर एक को पसंद होती है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बहुत सारे कपड़ों पे। और इसका ये जो कहानी ये है कि ये जो आपको लेस बाजुओं पे नज़र आई है ना, ये 3-4 महीने पहले मैंने कोई ना एक पीस पड़ा हुआ था उधर दुकान पर, तो वो मुझे सस्ता सा मिल गया था तो मैंने ऐसे ही ले कर रख दिया था। मैंने कहा लग जाएगा कहीं और ये आज लग गया, तो लगा भी बहुत अच्छे तरीके से, जस्ट बाजुओं पे नहीं लगा। आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसके जो है ना मैंने दामन इस तरह से करवाया, फ्रंट से इस तरह से और बैक से जो है वो नॉर्मल जो दामन होता है फ्रंट से इस तरह से इसका मैंने करवाया। इसको क्या कहते हैं ये मेरे भूल गई हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस दामन को कहते क्या है। तो इस तरह से इसका दामन जो है ना थोड़ा यूनिक सा बन गया, अच्छा लगा। और अब जो है ना इसकी जो मुझे जो इस चीज़ को डिफरेंट बनाती है, मैंने लेस जो है ना बाजू और ट्राउज़र के पाँचों पे लगवाई है। तो आपको ये कैसी लगी ये इसका जो है ना जो शेड है सूट का अलग सा हो रहा है, इसका जो एक्चुअल शेड है ना अभी वीडियो में आएगा तो मैं आपको करूँगी। बड़ा प्यारा सा शॉकिंग पिंक है, लेकिन प्यारा सा शॉकिंग पिंक है। तो इसका जो इसके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया है क्योंकि ये ओवरऑल में था और ये वाला इसका एक्चुअल कलर है जो अब शो हो रहा है। तो ये देखें कैसा लग रहा है, ये मुझे पहन के मैंने जब चेक किया ना मुझे मज़ा आ गया, इतना मज़े का, ये पहन के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो जो मेरा ईद वाले दिन पहनने का 2 सूट है ना इरादा, उन दोनों में अब शेयर करूँगी। एक तो ये है, आप लोग बताइएगा कि मैं कौन सा करूँ। तो ये मैंने इस तरह से ये वाली गोटे वाली लेस लगवा ली क्योंकि इसका जो था ना ये जैकॉर्ड का था, ये भी बुनैनजा का था और पलटे के साथ बाजू कुछ इस तरह से रखवा लिए इसके। तो ये जो है ना इसका जो नेक था ये वाला, ये नेक मैंने उसको बोला था डायमंड शेड में रखते हैं लेकिन उसने थोड़ा सा डिफरेंट लग दिया, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ईद का सूट ये लग रहा है वैसे थोड़ा सा। तो 500 पे भी मैंने इस तरह से गोटा लगवा लिया है, मेरी एक फ्रेंड ने लगाया था मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये भी इस तरह से लगवा लिया। आप लोगों को कैसा लगा ये भी लाजमी बताइएगा। तो मुझे ये जो है ना इसका दुपट्टा जो है ना बहुत प्यारा है, इस तरह से है कुछ इसका दुपट्टा, मज़े का है। लाइट वेट जो होता है ना जैकेट वो है, आप गर्मियों में आराम से पहन सकते हैं, बहुत मज़े का है। और इसके ना इसकी भी जो पीको थी वो मैंने गोटे वाली करवा ली, वैसे मुझे पीको शीको इतनी पसंद नहीं थी लेकिन इस पे सज रही थी इसलिए मैंने करवा ली। तो ये इसका ओवरऑल लुक है, ये आपको कैसा लग रहा है ये भी लाजमी बताइएगा। और मुझे ईद पे ये पहनना चाहिए जो अब दिखाने जा रही हूँ वो पहनना चाहिए ये भी लाजमी बताइएगा। सब कुछ आप ही से पूछे जा रही हूँ। तो ये जो है ना ये भी बुनैनजा का है। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये तीनों मेरे बुनैनजा के हैं और जो मैंने पहले दिखाया था ना वो गुरुजी का था। तो ये तीनों बुनैनजा के हैं, ये भी ओवरऑल में है जी, मज़े का सूट है बहुत। तो इसकी नेक थी ना तो मैंने खुद ज्वाइंट करवा के उसकी जिगजैग नेक पे भी मैंने खुद लगवाई, बाजुओं के ऊपर मैंने बॉर्डर उतरवाया फिर ऊपर को करके उसके दोनों साइड मैंने जिगजैग लगवाई और दामन पे भी इसी तरह से लगवाई, बहुत मज़े का बन गया। और इसकी शलवार मैंने बनाया ट्यूलिप ट्राउज़र, शलवार नहीं बनाई है, ये मज़े का है बहुत ट्यूलिप ट्राउज़र। उसके भी मैंने इस तरह से ये जो जिगजैग ना ये दे के इसमें मतलब मैंने करवाई, अभी कोई वाज है ये नज़र नहीं आ रही लेकिन बहुत मज़े का सूट बना है। तो मुझे बताएं ये वाला पहनूं या फिर वो जो पहले वाला है वो वाला पहनूं पिस्टाचू। तो इसका जो है दुपट्टे पे भी मैंने जिगजैग करवाई है खुद से, ये देखें इस बार मैंने ना कमाल कर दिया, मुझे वैसे इस तरह के पसंद नहीं है लेकिन इन पर सज रही थी इसलिए करवा ली, बताएं सज रही है ना। तो ये देखें ये ट्राउज़र पे ट्यूलिप पे इस तरह से करवाई, बाजुओं के बॉर्डरों के ऊपर नीचे और गले पे मैंने करवाई है। ये मुझे ना इस बार मेरा बहुत अच्छा जो है ना आइडिया मुझे आया
और आप लोगों को मेरे आइडियाज़ कैसे लगे अपने ड्रेसेस के लिए लाजमी बताइएगा। और ये इसका फाइनल लुक है, ये वाला कौन सा पहनूँ, इससे पहले वाला या ये ईद के पहले दिन में कौन सा पहनूँ, ये मुझे लाजमी बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी अपनी बहन के सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।